हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दैट हमारी ढोलरा की प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे फैसिलिटीज, फीचर्स और टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी और वो वीडियो आप सभी ने बहुत ज्यादा पसंद की, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए आज हम वापस हाजिर हैं आप सभी के सामने ढोलरा की ग्राउंड रिपोर्टिंग लेकर, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम ढोलरा SIR। जो भी लोग ढोलरा के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप जहां इन्वेस्ट करने वाले हैं वहां पे कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और कितनी होने वाली है, इस सभी चीजों की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके पैसे आप सही जगह इन्वेस्ट कर सके। सो हमने लास्ट वीडियो में ढोलरा के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क यानी TP2 East के बारे में जानने की कोशिश की थी, जिसे TP2 A East भी कहा जाता है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वैसे देखा जाए तो TP2 East एरिया में ऑलमोस्ट काम कंप्लीट होने ही वाला है और इसके बाद बारी आएगी TP2 West जोन की। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.dholerasir.com। और वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको प्लानिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। प्लानिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकेंगे कि उस TP2 वेस्ट जोन के अंदर भी 6 सब जोन्स डिवाइडेड हैं, जैसे कि TP2 B1, B2, B3 एटसेट्रा। फिलहाल गवर्नमेंट TP2 वेस्ट जोन के B1 और B2 एरिया के अंदर अपना काम स्टार्ट कर सकती है, वो भी प्रायोरिटी बेसिस पर। वो इसीलिए क्योंकि इन दोनों ही जगह के लैंड्स को एक्विजिट किया जा चुका है और इसीलिए गवर्नमेंट इन जोन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट फिलहाल कर सकती है। बाकी के जो बचे जोन है TP2 के B3, B4, उन सब के अंदर IT नॉलेज जोन्स और बाकी जोन्स को बनाया जाएगा, लेकिन उन सब की डेवलपमेंट का काम शुरू होगा B1 और B2 के कंप्लीशन के बाद। ये तो थी TP2 की बात। अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, और वो ये है कि गवर्नमेंट TP2 के साथ TP1 में भी काम चालू करने जा रही है। ये जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आपको डिलीवर की है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट पर भी। जब आप उसे देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि TP1 के भी दो जोन्स हैं, जैसे कि TP2 के हैं, TP1A एंड TP1B, जिसमें TP1B जो कि सोलर पार्क के लिए रिजर्व्ड एरिया किया गया है, उसमें फिलहाल गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर रही है, लेकिन TP1A के अंदर फिलहाल गवर्नमेंट काम स्टार्ट कर रही है। TP1A में भी TP2 वेस्ट जोन की तरह 5 सब जोन्स डिवाइडेड हैं, जैसे कि TP1A1, A2, A3 एटसेट्रा। अभी गवर्नमेंट इसमें भी TP1 A2 में काम स्टार्ट करने जा रही है, जो कि TP2 B1 से बिल्कुल अटैच्ड है। तो ये थे कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स जो आपकी इन्वेस्टमेंट को सही दिशा और आपको बेहतरीन रिटर्न्स दिला सकती है। ढोलरा के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। अब क्योंकि बात है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इस नॉलेज को अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे सभी के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है, कम नहीं होता। और उन लोगों के साथ तो खास तौर पे, जो लोग अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो ढोलरा में इन्वेस्ट करना ना करना आपकी विश है, लेकिन एक ऐसी स्मार्ट सिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखने में कोई बुराई भी तो नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दिस इज दिव्या फ्रॉम Tegunity.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।